सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर रेखा ने दिया एक बहुत बड़ा बयान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेखा ने मुसलमानों से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कहा उसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। लोगों का कहना है कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है वहां पर पहले शिव का मंदिर हुआ करता था। वहां पर रहने वाले लोगों का ये मानना है कि शिव के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया है। कोर्ट में अब यह फैसला चल रहा है कि क्या इस ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के इस मामले को लेकर अभी तक कई सारे लोगों ने इंसाफ की आवाज उठाई और मुसलमानों का साथ दिया। हाल ही में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रेखा ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ी बात हम सबके सामने रखी। रेखा ने उनके सभी चाहने वालों से कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में रोजाना हजारों से लोग नमाज पढ़ते हैं। रेखा का कहना है कि जहां पर एक सच्चा मुसलमान इंसान नमाज पढ़ता है उस मस्जिद को नहीं तोड़ना चाहिए। रेखा ने कहा कि भारत देश में हम सबको मिलकर भाई बहन की तरह रहना चाहिए। भारत देश एक सेक्युलर देश है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, किसी को भी तोड़ना नहीं चाहिए। रेखा का कहना है कि आज भारत देश में मुसलमानों के खिलाफ काफी ज्यादा जुल्म किया जा रहा है और इस बुरे वक्त में हम सबको मिलकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की पूरी मदद करना चाहिए। रेखा ने कहा कि जब बात आती है उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद की तो रेखा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं और ऐसी पाक साफ जगह को तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर रेखा की ये बात काफी ज्यादा वायरल हो रही है। फैंस का कहना है कि रेखा ने बिल्कुल सही बात कही है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, किसी को भी तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे दोस्तों, आप सब लोगों का क्या कहना है रेखा की इस बात को लेकर, आप सब लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना।